और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंच चुके हैं, उसकी ये तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें ताला यहां पर लगा दिया गया था, तमाम सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं। विवेक इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, सीधे विवेक के पास ही चलते हैं। उनके जो समाजवादी पार्टी का ऑफिस है उसके आसपास पुलिस फोर्स लगाकर बैरिकेडिंग करके रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन 11 बजे ये कार्यक्रम था और अब करीब 12:15 बजे हो चुके हैं, 12:15 बज चुके हैं, 45 मिनट लेट, लेकिन अखिलेश यादव यहां पहुंचे हैं और उनके साथ राजेंद्र चौधरी भी लोग जागरण यात्रा बस में सवार हैं। अखिलेश ने हाथ हिला के सबका अभिवादन किया और उनकी बस ठीक सामने लगा दी गई है, जेपी एनआईसी के ठीक गेट पर बस लगा दी गई है। कल ही शाम को एलडीए ने यहां पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी, मना किया था कि यहां पर अखिलेश यादव का भीतर प्रवेश नहीं किया जाएगा, कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, चूंकि जेपी एनआईसी में तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं और जांच भी चल रही है यहाँ पर हुए तमाम निर्माण कार्यों की। ऐसे में अखिलेश यादव को यहाँ भीतर एंट्री से रोक दिया गया था। एलडीए का तर्क था कि निर्माण कार्य और तमाम सामान गायब है, गंदगी है, इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से रोका गया, लेकिन अखिलेश की बस ठीक जेपीएनआईसी के गेट के बाहर पहुंच चुकी है इस समय और अभी कुछ देर बाद वो बाहर भी निकल सकते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी लोगों का रेला, समर्थकों का रेला जोश और उत्साह से लबरेज हो गए। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जो हो रहा था। तो विवेक हमारे सहयोगी लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं, बस जो है अखिलेश यादव की वो ठीक गेट के सामने लगा दी गई है जहां पर ताला जड़ा गया था और अभिवादन भी हाथ हिलाकर यहां पर लोगों का किया है। तमाम सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त गेट के बाहर मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल जमावड़ा यहां पर है तमाम लोगों का और बता दें आपको पुलिस भी यहां पर मौजूद थी। अब तस्वीरें देखिएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से तस्वीरें अब आप देख पाएंगे किस तरीके से यहां पर तमाम जो सपा के कार्यकर्ता है पहुंचे हैं, कुछ गेट के बिल्कुल पास पहुंचे हुए हैं लोग और ताला यहां पर इसलिए जड़ा गया क्योंकि एलडीए की तरफ से ये कहा गया यहां पर कि अंदर निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन एक हफ्ते पहले जब सपा के लोग यहां पर पहुंचे, जैसा कि जानकारी आई है, उनकी तरफ से कहा ऐसा कोई काम नहीं चल रहा था, ना ही ऐसा कुछ कहा गया। जयप्रकाश नारायण की जयंती है और ऐसे में माल्यार्पण करने के लिए वो पहुंचते हैं अमूमन हर बार, हालांकि पिछली बार नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते और उससे पहले कोविड के चलते यहां पर इसके हवाले से नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब जब पहुंचे हैं तो ताला जड़ा गया ये कहकर कि निर्माण कार्य यहां पर चल रहा है। तो फिलहाल बस को बिल्कुल गेट के पास तक देखिए आगे बढ़ाते हुए यहां पर, लेकिन गेट पर ताला जड़ा हुआ है और अंदर जाने की कोशिश है यहां पर ये कि भीतर दाखिल होना है, लेकिन एलडीए का यह कहना है कि भीतर आप दाखिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि भीतर निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य के चलते आप अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब माल्यार्पण करने के लिए भी क्या हमें जंग लड़नी होगी, माल्यार्पण करने के लिए भी क्या संग्राम करना होगा, अगर ऐसा है तो ठीक है वो भी हम कर लेंगे, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो यहां पर अब गर्मजोशी से भी बढ़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके मुखिया उनके बीच पहुंच चुके, अखिलेश यादव यहां पर हैं। अब आगे क्या होता है वो उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है, क्या माल्यार्पण कर पाते हैं यहां पर भीतर की नहीं। विवेक हमारे साथ लगातार बने, विवेक फिलहाल तस्वीर किस तरीके की नजर आ रही है, हम देख रहे हैं बस ठीक गेट के आगे पहुंच चुकी है, लेकिन आगे की तस्वीर क्या नजर आ रही है। मौजूद है लेकिन हम ये आपको बता दें काफी ज्यादा धक्का मुक्की भी एक तरीके से आप नजर आ रही है जैसे कि पहले जानकारी दे रहे थे, लेकिन कोशिश से दोबारा जुड़ने की। जी विवेक, अखिलेश यादव पुलिस अधिकारियों से बात करें, नाराज है अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश के चेहरे पर साफ गुस्सा जाहिर है। एलआईयू के डिप्टी एसपी यहां मौजूद है, पुलिस के एसपी एएसपी मौजूद है, आईपीएस अधिकारी अंदर अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं। अखिलेश नीचे उतरने और देखिए गर्मा गर्मी हो गई है, अखिलेश यादव से गर्मा गर्मी हो गई है पुलिस कर्मियों की, पुलिस अधिकारियों की, और अंदर अखिलेश यादव पूरे गुस्से में है, जबरदस्त गुस्से में है अखिलेश यादव।
पुलिस अधिकारियों को उन्होंने डांटा पूरी तरह से और उसके बाद हाथ लगा दिया। पुलिस अधिकारियों ने हाथ लगाने के रोकने की कोशिश की तो अखिलेश यादव यहाँ भिड़ गए हैं, पुलिस अधिकारियों से नाराजगी जता रहे हैं पूरी तरह से। और डिप्टी SP LIU यहाँ पर है, उनसे पूछ रहे हैं कैसे। अब अखिलेश यादव नीचे उतर रहे हैं, उनको रोक रखा है और भरपूर गर्मा गर्मी। अखिलेश यादव ने अपना मोबाइल रख दिया और अब मूड में आ गए हैं, आंदोलन जबरदस्त। नीचे उतर आए अखिलेश यादव नीचे उतर आए हैं और जेपीएनआईसी के गेट पर अखिलेश यादव ऊपर चल गए हैं, गेट के ऊपर चल गए अखिलेश यादव। ऐसा पहली बार यूपी के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व मुख्यमंत्री गेट चढ़ के भाग गया है। अखिलेश यादव JPNIC का गेट चढ़ के भाग गए हैं अंदर, यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उनके सारे सुरक्षाकर्मी भी भीतर चले गए हैं। राजेंद्र जी आप बताइए, भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोग आशु मलिक जी हमारे साथ, आशु मलिक जी बताइए, आज पहली बार ऐसा हुआ यूपी के इतिहास में, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या। अखिलेश यादव के कूदने के बाद सभी लोग अंदर कूद गए हैं, JPNIC के भीतर सभी अंदर कूद गए हैं, सारे जितने लोग हैं सब अंदर कूद गए हैं। अखिलेश यादव के कूदने के बाद JPNIC के भीतर समाजवादियों का पूरा रेला उमड़ पड़ा है अंदर कूदने के लिए, सभी लोग अंदर कूद गए हैं। और ये आज सबसे पहले पुलिस वालों से झगड़ा हुआ, उसके बाद अखिलेश ने नाराजगी जताई, अपना मोबाइल फोन रखा और JPNIC के गेट पर चढ़कर इसमें ताला लगा है, भीतर चढ़कर कूद गए हैं अखिलेश यादव। और देखिए जबरदस्त उत्साह है यहाँ पर समर्थकों में। आज पूजा शुक्ला गई, आज का दिन बहुत पूर्ण क्रांति का नारा लेकर के अखिलेश यादव जी, हम लोग क्रांति का बिगुल फूंक रहे हैं। 2024 में भाजपा का सफाया करेगी समाजवादी पार्टी। सभी समर्थक जबरदस्त जोश दिखाइए कैमरे पे, मिश्रा जी एक बार कैमरा घुमाइए और देखिए कैसे लोग चढ़ रहे हैं। सुरक्षा कर्मी अखिलेश के कैसे चढ़ रहे हैं वहाँ पे, अखिलेश के सारे सुरक्षा कर्मी भी पीछे पीछे चढ़ रहे हैं। लोहियावानी छात्र सभा, अंबेडकर सभा, जितने भी विंग हैं, युवजन सभा, सभी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और टीमें तोड़ दी गई हैं, देखिए जो टीम लगाई गई थी वो कार्यकर्ताओं ने उखाड़ कर फेंक दी है, टीमें तोड़ दी हैं कार्यकर्ताओं ने, गेट पर लगी टीम नोच नोच कर फेंक दी है और सीधे वहां पर